नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन के कारण पीएम नरेंद्र मोदी ने गोवा में शाम 5:30 बजे होने वाली वर्चुअल रैली को रद्द कर दिया, जहां लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन के लिए मुंबई रवाना हुए। वहीं लता जी के अंतिम दर्शन को पूरे मुंबई उमड़ पड़ी है। लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन करने घर पहुंचे महानायक अमिताभ बच्चन। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर जताया शोक, किया उनके आत्मा की शांति की प्रेयर। क्रिकेटर सुरेश रैना के पिता का हुआ निधन, कैंसर से पीड़ित थे त्रिलोकी चंद रैना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे भी पहुंचे लता मंगेशकर के आवास प्रभु कुंज, जाकर दी श्रद्धांजलि। जन चौपाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, उत्तर प्रदेश में पहले घर से निकलने में लगता था डर, अब अपराधी कांपते हैं थर थर। पंजाब के लुधियाना पहुंचे राहुल गांधी ने कांग्रेस के सीएम फेस का किया ऐलान, वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ही होंगे पंजाब के अगले सीएम। अखिलेश यादव का आगरा में बड़ा दाव, कहा सपा की सरकार बनने पर बाह में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विश्वविद्यालय बनाएंगे और जिला घोषित करेंगे। बिहार में कोरोना के केस कम होने पर सरकार ने 9वीं से ऊपर के सभी स्कूलों और कॉलेजों को खोलने का ऐलान किया। अंडर 19 विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने जीत दर्ज किया है, जहां हरियाणा के हिसार निवासी दिनेश बाना ने 2 छक्के लगाकर भारत को जीत दिलाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी को आरे हाथों लेते हुए कहा, हाथी के खाने के दांत कुछ और दिखाने के कुछ और हैं। लालू यादव 14 फरवरी को रांची जाएंगे, जहां 15 फरवरी को सीबीआई कोर्ट सुनाएगी फैसला। छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री राजेश मूनत की गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और भाजपाई कार्यकर्ता विधानसभा थाना के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भीड़ ने जाम किया शिमला, बर्फ देखने की चाह में रिकॉर्ड सैलानी पहुंचे। जम्मू कश्मीर के सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ करते पाकिस्तान के 3 तस्कर को सेना ने किया ढेर, 36 किलोग्राम मादक पदार्थ और हथियार किया बरामद। महाराष्ट्र के ठाणे में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 फरवरी को होगी सुनवाई। लता मंगेशकर के निधन पर राजस्थान में 2 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया, राष्ट्रीय ध्वज को भी झुकाया गया। डिप्रेशन जैसी मनोवैज्ञानिक समस्या को दूर करने में मददगार होता है मशरूम, इसलिए मशरूम का सेवन जरूर करें। राजस्थान सरकार ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक कंप्यूटर अनुदेशक के पद पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। अहमदाबाद के पहले वनडे में भारत ने टॉस जीतकर वेस्टइंडीज के खिलाफ गेंदबाजी का फैसला लिया। अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, अनुपम खेर समेत पूरी मुंबई लता मंगेशकर के अंतिम दर्शन को उमड़ पड़ी, जहां 6:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।